Hello everyone, I am Sajita Srivastav from Mahatma Gandhi Sikshan Sansthan. Now, I am going to teach Hindi Vyakaran. आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण. बच्चों, जब हमें आदि मानव कहा जाता था उस समय मनुष्य को अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था और लोग इशारों में अपनी बातों को समझाते थे. फिर धीरे धीरे मनुष्यों ने पेड़ के छालों, चट्टानों, पत्थरों पर तरह तरह के चिन्हों और संकेतों के द्वारा अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया. इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा का जन्म हुआ. बच्चों, पेपर और प्रेस के आविष्कार ने भाषा को एक रूप प्रदान किया और इसका क्रमिक विकास हुआ. अतः बच्चों, अब हम कह सकते हैं कि हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों, चाहे वह बोल कर हो या लिख कर हो, के द्वारा हम अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है. सरल तरीके से हम भाषा को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है. बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि भाषा के दो रूप को मान्यता मिली, किंतु एक भाषा जो संकेतिक रूप में था उसे प्रयोग में लाना कारगर नहीं हो सका, क्योंकि वह आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता था. इशारों में बात करने से एक हम अपने विचारों को एक दूसरे तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाते थे, नहीं समझा पाते थे, इसीलिए उसे व्याकरण में स्थान नहीं मिला. इस तरह से भाषा के दो रूप निकल कर आए, पहला मौखिक और दूसरा लिखित. बच्चों, जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं. दूसरा रूप है भाषा का लिखित. बच्चों, जब हम अपने विचारों को या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. जैसे पत्र लेखन इत्यादि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं. बच्चों, अब हम बोली पर आते हैं. बोली भाषा का मौखिक रूप होता है. बोली भाषा का मौखिक रूप होता है. जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल के प्रयोग में लाई जाती है, तो उसे हम बोली कहते हैं. जैसे हरियाणा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग होता है, मिथिला में हम मैथिली इत्यादि बोलते हैं. बच्चों, अब हम अपनी मातृभाषा की ओर आकृष्ट होते हैं. मातृभाषा, बच्चों, बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, उसे ही मातृभाषा यानी मदर टंग कहते हैं. जैसे अगर बच्चा बंगाली परिवार में पैदा हुआ है, बंगाली परिवार में जन्म लेता है, तो उसकी मातृभाषा बंगाली होती है. अब है राजभाषा. राजकीय या सरकारी काम काजों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं.
बच्चों भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1947 सॉरी 1949 को स्थान दिया गया था। अतः हम हर साल हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर क्षेत्रों में इसे बोली जाती है। इसी तरह अंग्रेजी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, क्योंकि यह विश्व भर में प्रचलित है। भारत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू इत्यादि भाषाएं सम्मिलित हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पूरे विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है? बच्चों, पूरे विश्व में लगभग 6,500 भाषाएं लिखी और बोली जाती हैं। अब हम लिपि पर आते हैं। लिपि, बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के तरीके, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत और गुजराती को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। उसी तरह से पंजाबी में गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।